महाराष्ट्र चरमकार संघ नांदेड़ के एक वफद ने जिला कलेक्टर नांदेड़ के जरिए महाराष्ट्र के वजीर आला श्री उदय ठाकरे के नाम एक याददाश्त रवाना की है। याददाश्त में मुतालबा किया गया है कि चरमकार समाज की 20 साल कुमारी नीलिमा सावंत, जो कि अपने मामा के गांव पारवाड़ा जिला जलगांव दीपावली मनाने आई थी, चार अफराद ने इसको अगवा किया और इज्तिमाही तौर पर इसकी असमत दरी की। इतना ही नहीं, इसे जहर भी पिलाया और नीलिमा मर गई समझ कर इसे छोड़कर चले गए। इस दर्दनाक वाक़े की चरमकार संघ मजम्मत करता है और हुकूमत से मुतालबा करता है कि मुल्ज़मीन के खिलाफ फास्ट्री कोर्ट में मुकदमा चलाकर इन्हें फांसी की सज़ा दी जाए। याददाश्त में ये भी कहा गया है कि कुमारी नीलिमा सावंत का मरने से कबल केस न लेने वाले पुलिस मुलाजमीन को भी मुल्ज़िम बनाया जाए। इसके साथ साथ कोल्हापुर के एक देहात की चरमकार समाज की लड़की की असमत दरी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। ये टोळी नावाचे एक गाव आहे पारोळा तालुक्यात। या गावामध्ये नीलिमा संजय सावंत ही मुलगी मामाच्या गावी गेली असता तिथल्या काही नराधमाने तिचं अपहरण केलं, तिच्यावरती अमानुष असा सामूहिक बलात्कार केला आणि तिला विष पाजून रस्त्याच्या कडेला फेकून दिलं। यामध्ये त्या मुलीचा मृत्यू झाला। ही महाराष्ट्राला काळीमा फासणारी घटना महाराष्ट्रामध्ये घडलेली आहे। याचा आम्ही राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाच्या वतीनं राज्यभर आज आम्ही निषेध करत आहोत। आमची अशी मागणी आहे की त्या मुली ज्या मुलीवरती हे बेतलं, ज्या कुटुंबावरती हे बेतलं, त्या कुटुंबाचं महाराष्ट्र शासनानं पुनर्वसन करावं, त्यांना पोलीस संरक्षण द्यावं आणि जे गुन्हेगार आहेत त्यांना फास्ट ट्रॅक कोर्टामध्ये ही केस चालवून त्वरित फासावरती लटकवण्यात यावं अशी मागणी राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाची आहे। दुसरी, अशाच घटना महाराष्ट्रामध्ये 3 घडलेल्या आहेत। एक राधानगरीला सुद्धा एका मुलीला असंच विवस्त्र करून तिच्यावरती बलात्कार केला आणि तिच्यावरती बलात्कार करून तिची क्लिप केली आणि तिला पुन्हा ब्लॅकमेल केलं की तू जर कोणाला सांगशील तर आम्ही ही क्लिप सोशल मीडियावरती टाकू। त्यासुद्धा मुलीने आत्महत्या, तीसुद्धा मुलगी वाचली नाही। अशा 3 घटना महाराष्ट्रामध्ये झाल्यात आणि महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट बघ्याची भूमिका घेते हे फार मोठे दुर्दैवाची बाब आहे। आणि ही मुलगी जेव्हा पोलीस स्टेशनला जेव्हा हिला हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट केलं त्यावेळेस पोलीस प्रशासनाचं काम होतं त्या ठिकाणी जाऊन तिचा मृत्यूपूर्वी जबाब घ्यायचं, ते पोलीस प्रशासनानं घेतला नाही। जे कोणी पोलीस अधिकारी यामध्ये दोषी असतील, ज्यांनी तिचा जबाब घेतला नाही, ज्यांनी सिरियसली घेतलं नाही, जे हाथरसच्या घटनेमध्ये जे घडलं तोच हा प्रकार आहे, फक्त थोडासा वेगळा आहे। तिथंसुद्धा पोलिसांनी दाबण्याचा प्रयत्न केला, इथंसुद्धा पोलिसांनी दाबण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। म्हणून माझी अशी मागणी आहे महाराष्ट्र शासनाला की जे आरोपींना कलम लावलेले आहेत, जे 1880 ॲक्टनुसार जी कलमं लागतात ती सगळी कलमं ह्या जे दोषी पोलिसांवरती लागावीत आणि त्या पोलिसांनासुद्धा सदोष मनुष्यवधाच्या गुन्ह्याखाली अरेस्ट करावं ही आमची राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाची मागणी आहे। आणि जर ह्या जर मागण्या गव्हर्नमेंटने मान्य नाही केल्या तर दिवाळीच्या नंतर महाराष्ट्रभर आम्ही मोठं आंदोलन उभं करणार आहोत। वेळ प्रसंगी रक्तही साडण्याची आमची तयारी। गाव शहर में परोळा गाव में टोळी ये गाव में 4 व्यक्तियों ने बलात्कार करके लड़की को जहर पिला के उसको मार दिए और जो हाथरस में घटना घटी थी उसी टाइप की ये घटना है। और महाराष्ट्र शासन जल्दी से जल्दी जो गुनहगार है उनका खटला होगा फास्ट ट्रैक में चला के उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए। चर्मकार समाज के ऊपर जो महाराष्ट्र में हल्ले हो रहे वो आगे चल के नहीं होने चाहिए, इसके वास्ते कड़क से कड़क प्रयास महाराष्ट्र शासन ने करना चाहिए। अगर महाराष्ट्र शासन अगर नहीं सुनता है तो हम अगले आने वाले दिनों में पूरे महाराष्ट्र भर में बम मारो आंदोलन करेंगे। और इसका पूरा जो अभी तो आचार संहिता चालू है पदवीधर मतदार संघ की, इसलिए हम कुछ कम प्रमाण में किए हैं, लेकिन आने वाले 8-10 दिन में अगर महाराष्ट्र शासन ने इसके ऊपर एक्शन नहीं लिए तुरंत तो हम बम मारो आंदोलन पूरे महाराष्ट्र में चालू कर देंगे। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रूफ राइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्ज़ा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा।
लेटेस्ट न्यूज के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।